स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और आज हम लोग जाने वाले हैं अपने सूट को फ्यूज़ करने। एक्चुअली मेरे को पता है क्या मिला है, मेरे को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने आज जैसे ही फ्यूज़ किया और मेरे को जो चाहिए था मेरे को वो मिल गया। मेरे को यहाँ पर तीन चीज़ें चाहिए थी, एक था बूट चाहिए था या फिर अटैक के लिए चाहिए था या फिर एसपी वाला चाहिए था। मेरे को क्या मिला, अटैक वाला। जो मेरे को चाहिए थे वो मेरे को यहाँ पर मिल चुके हैं। मेरे को अभी भी दो चाहिए होंगे, एचपी और स्पीड। अगर स्पीड मिल जाता है तो हम लोग स्पीड वाले में शिफ्ट हो जाएंगे, जब तक वो स्पीड वाला नहीं मिलता तब तक हम लोग शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पीड हमारे पास नहीं होगा। पर मिल जाएगा तो हाँ, मैक्स हो सकता है एज ए वी आई पी जीरो या फिर हार्ड सूट यूजर में जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग कर पाएंगे। अब फाइनली मेरे पास बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है। अब मैं बताऊँ कि मैं बहुत दिनों से इस चीज़ का तड़प रहा था। बेसिकली जो मेरे पास मेरे वी आई पी वाले मेरे को मिला था, मैं तब से इसके पीछे पड़ा था पर मेरे को आज तक नहीं मिला, और फाइनली मेरे को मिल चुका है। अब मेरे सारे पोकेमॉन्स का अटैक मैक्स हो चुका है। स्वैम्पवर्ड और ज़्यादा बढ़ गया है, गारचॉम्प और भी ज़्यादा बढ़ गया, और बोवाइल भी बढ़ गया, ग्राउड और सारे पोकेमॉन्स के अटैक मैक्स हो चुके हैं। एचपी तो हुआ करता था हमारे पास ज़्यादा, अब उतना ही अटैक भी हो चुका है। अब आएगा मज़ा गेम में सच में। तो हम लोग सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं रॉयल बैटल में। तो हमने यहाँ पर जो जो प्लेयर होंगे उन सबसे मिलेंगे और सब पर अटैक करें, मतलब ट्राई करेंगे अपना। तो रॉयल बैटल बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है गाइस, यहाँ पर कोई भी किसी पर भी अटैक कर सकता है, पर हम लोग अपने लेवल के बराबरी वालों से ही अटैक करते हैं क्योंकि वही ज़्यादा फेयर होता है। अनलेस एंड अनटिल कोई हम पे अटैक कर दे तब हम उसको भी अटैक मारते हैं, नहीं तो हम लोग उन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट सामने है पालकिया वाला, तो वहाँ पर वो 40,000 पर अटैक कर रहा है पर मैं उसी पर अटैक करूँगा। स्वॉर्ड डांस पर सच ही कर लिया क्योंकि मेरे को पता है पालकिया 1 हिट किल नहीं कर सकता मेरे को, पर अटैक प्लस 2 होने के बाद मैं ज़रूर 1 हिट किल कर सकता हूँ। ह्यूज पावर एबिलिटी इसके पास है, कॉमेट पी का जो कि पास है, और काश टेराकियन के पास होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, एटलीस्ट उसके पास अगर एडेप्टेबिलिटी भी होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, पर वो भी नहीं है उसके पास। टेराकियन एक बहुत ही बेहतरीन पोकेमॉन है, इतना ज़्यादा अटैक है उसके पास पर एबिलिटी इतने ज़्यादा सही नहीं है। गट्स है 8 होने के बाद, पर तब किसे चाहिए। अच्छा, हम लोग यहाँ पर लगाते हैं प्लेयर ऑफ। तो जो जो प्लेयर जो टेराकियन R2 बना रहे हैं, अगर आपने R2 बना दिया तो एक चीज़ बताऊँगा मैं, आज नहीं किसी और वीडियो में बताऊँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। हमने एक प्लेयर ऑफ लगाया और पाल किया हुआ डेड, और ये अब हम पे अटैक करेगा मेरे को पता है। इसका नाम क्या था हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखते हैं यहाँ पर आएगा तो हम लोग उसका नाम देखेंगे, बंदे का नाम क्या है। मेरे हिसाब से ये WRZ बेगाल नाम है बंदे का, और हम लोग यहाँ पर इस पर स्लिप टॉक, ठीक है स्लिप टॉक ट्राई करते हैं क्योंकि अगर मेरे पर डार्क वर्ड पड़ता है तो स्लिप टॉक एक ही झटके मार सकता है, अनलेस एंड अनटिल स्वॉर्ड डांस यूज़ हो जाए। अगर स्वॉर्ड डांस यूज़ होता है तो भाई टॉन्ट लगा लेगा और मेरी लग जाएगी, बहुत ही गंदी तरीके से लगेगी, पर लग तो ज़रूर जाएगी हमारी। पर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं स्लिप टॉक पर बेचारा गार्ड, ठीक है वो दूसरा प्लेयर गया निंजा वाला, कोई ना नेक्स्ट वाले में देखेंगे हम इसे। तो गाइस ये वाला तो खत्म हो गया। सिंपली रॉयल बैटल में मैं उसी पर अटैक करता हूँ जो डार्क लेके उतरता है या फिर जो मेरे लेवल का होता है, बाकी मेरे को किसी से मतलब नहीं होता। यहाँ पर मेरे को डाकरा यूज़र दिखा और मैं उसी को मारूंगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कौन है वो, ठीक है। साइड में हमें एक आरसी दिख रहा है तो सारी चीज़ें गई साइड में, हम लोग अटैक करने वाले आरसी पे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्वॉर्ड डांस कर लेता हूँ क्योंकि स्वॉर्ड डांस में काफ़ी होगा, मतलब अटैक बूस्ट भी हो जाएगा, उसके बाद जो भी पोकेमॉन आएगा उसे 1 हिट किल कर पाएंगे। फीनी रॉयल बैटल में फीनी क्यों लेके आए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए, इसके पास बहुत टाइम है, इंसान नल्ला है तो ये कुछ भी कर सकता है। कई लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रैटर्जी होती है, काई की स्ट्रैटर्जी होती है भाई, आधा घंटा एक पोकेमॉन के साथ खड़े रहो तब तक इंतजार करो जब तक बंदे का मूव्स ना खत्म हो जाए, ये काई की स्ट्रैटर्जी होती है, ये आपके नल्लेपन की निशानी होती है लिटरली। हम लोग यहाँ पर जीमू लगा चुके हैं, इसके साथ प्रोटेक्ट है तो मूव सेट प्रोटेक्ट और वो, ठीक है वर्लपूल और क्या होगा नॉक ऑफ में भी और हेज या फिर टॉन्ट, यही ये सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे पोकेमॉन्स को रुकने के लिए आप गेंगर लेके आते हो, पर भाई रॉयल बैटल है ना तो 3 ही पोकेमॉन्स की जगह होती है। मैं कौन इतना सोचे कि भाई डाकरा यूज़र आएगा उसके लिए स्नोरलैक्स ले लो या फिर कोई फीनी लेके आएगा उसके लिए गेंगर ले लो। तो भाई अगर आप इतना कुछ सोचोगे ना तो कुछ नहीं फाहत में आने वाला आपके। तो मैं जनरली यही रिकमेंड करता हूँ, अपने 3 सबसे बेस्ट पोकेमॉन लो, उतर जाओ, मार दो खत्म, और कुछ मत देखो यहाँ पे। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर ऐसे आते हैं जो ये देख सकते हो भाई, इतने वक्त में, इससे आधे वक्त में पहले वाला बैटल खत्म हुआ था रॉयल बैटल, अभी तक ये चल रहा है, क्या मिलेगा भाई इससे, कुछ पैसे कमाए जा रहे हैं आपके, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके तो नहीं कमाए जा रहे सही, कहीं ना कहीं हमारे कमाए जा रहे हैं, पर सच बोल रहा हूँ ये सच में टाइम वेस्ट हो रहा है यार। इतने वक्त में कोई जाके 2-4 प्रोग्रामिंग कर लेता, कोई जाके कुछ वर्कआउट्स कर लेता, कोई जाके मार्केट से घूम आता, कुछ कोई कुछ भी कर लेता, तब से एक फीनी लेके स्टाइल कर रहे हो, हद है यार, मतलब ज़िंदगी बर्बाद है तुम्हारी, सच बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर और भी कुछ कहना चाहता था उसके बाद, पर बच्चे भी वीडियोस देखते हैं तो हम वो नहीं बोल रहे हैं, सच बता रहा हूँ। इतना गंदा मेरे को महसूस मतलब करवा रहे हो ना तुम लोग ऐसे आके, फीनी उसके बाद एक डार्क राय, रॉयल बैटल में बंदा एक डार्क राय लेके उतरा है, फीनी भी लेके उतरा है, और टरानटोर या फिर कुछ और भी होगा आगे चल के, पालकिया भी हो सकता है, पर एंड में क्या फ़ायदा हुआ सबका, हारना तो आपको ऐसे भी पड़ेगा,
चलो अब मैं अटैक, अगर मेरे से बच गए तो आजू बाजू कोई होंगे तो वो अटैक कर देंगे, अगर वो भी नहीं करते हैं तो आधा घंटा खेल के आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर चलो 15 मिनट खेल के 20 पॉइंट्स मिलेंगे। वो इससे पहले वाले बैटल में मेरे को शायद 1 मिनट के अंदर या फिर 2 मिनट के अंदर मिल गए थे, इतना बड़ा गैप। यहाँ पर एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा चौंका हमें कि स्ट्रगल से सिर्फ उसे 5K डैमेज पड़ा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इस ओपोनेंट के बारे में जो डाका यूज़ कर रहा है, उसके पास स्पेशल डिफेंस रिम्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ डिफेंस रिम्स है। ये क्यों? क्योंकि सादा डिफेंस चाहिए, स्पेशल डिफेंस कम भी हो तो चलेगा, क्योंकि स्पेशल डिफेंस यूज़र के अगेंस्ट ऐसे भी हारना होता है, ट्राई नहीं करते ये लोग। पर मेरा मानना यही है कि डिफेंस स्पेशल डिफेंस दोनों बराबर को, इन केस अगर किसी को नहीं बता दूँ मैं बता दूँ, फैटस जो होता है स्पेशल डिफेंस का वो थोड़ा ज़्यादा पावर देते हैं कंपेयर टू डिफेंस में, तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये मैक्सिमाइज करने के लिए सारे डिफेंस जीरम डाल देते हैं और फिर स्पेशल डिफेंस के फैटस कंप्लीट कर रहे होते हैं। पर इन्हें नहीं पता वो 5-स्टार वाला फैटर इतना जल्दी नहीं कंप्लीट होता, उसमें वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लगता है। 4-5 पोकेमोन होते हैं जिन्हें 5-स्टार करना होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। पर ये लोग शुरुआत से पूरा डिफेंस जीरम ले लेते हैं ये सोच के कि वो एक दिन कंप्लीट होगा, तब तक हम ऐसे खेलेंगे। ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होता गाइस, आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। अब वर्ल्ड लीग में शायद 30% या फिर चलो 60% यूजर्स को जीत जाओ उनके अगेंस्ट डिफेंस के वजह से, पर बाकी 40% जो स्पेशल अटैक यूज़ करते हैं उनके अगेंस्ट आप बहुत ही गंदा हारोगे, अनलेस एंड अंटिल आपके पास डार्क राय हो, और इसके पास है डार्क राय। और क्या चाहिए भाई, डार्क राय तो आप किसी को भी हरा सकते हो, डार्क राय, रोर और स्पाइक्स, ये चीज़ें किसी को भी हरा सकती हैं, किसी को भी। लेवल वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, ये अगर है तो जीत गया बंदा। डार्क राय से स्टिक भी डाल सकते हो आप, स्पाइक एंड रोर का तो कोई तोड़ ही नहीं होता, बस ज़्यादा कोई रैपिड स्पिन यूज़ करेगा, पर हर टीम में गेंगा रहता है, घोस्ट टाइप पोकेमॉन रहते तो रैपिड स्पिन तो बेकार हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉग, और मैक्सिमम पोकेमॉन्स पर डिफॉग फिट नहीं बैठता। कुछ चुनिंदा पोकेमॉन जो होते हैं जिन पर डिफॉग आता है, और कौन है भाई जो डिफॉग लगाएगा अपने एक बेहतरीन पोकेमॉन पर, मतलब एक मूव बस स्पाइक्स क्लियर करने के लिए बहुत महंगा है। चार ही मूव एडजस्ट किए जा सकते हैं, उसमें से एक बेकार मूव लोगे तो आगे चल के साथ स्पाइक्स रोर के अगेंस्ट आप जीतोगे, बाकी सारे ट्रेनर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गंदा होगा। इसलिए मैं आजकल क्या करता हूँ, मैं जो मैं देख लेता हूँ डार्क का यूज़ हम लोग चलो बैटल भी कर लेते हैं, पर अगर कोई मेरे को स्पाइक्स मतलब स्पोर्टर्स और सलगैलियों के साथ दिखता है तो मैं हरी अप लगा के एस्केप कर देता हूँ, बाई टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरे को पता है रिजल्ट मतलब बाद में चल के हम ही जीत जाएंगे, पर बहुत ज़्यादा वक्त लेता है। डार्क राय यूजर्स के साथ तो वक्त लगता ही है, पर वो इतना लेने लगता है जितना सलगैली और रोर यूज़ करके और ये स्पाइक्स यूज़ करके करता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। गेंगार लेके आओ, नॉक ऑफ लगाओ, विडो विस लगाओ, वो टाइम ज़्यादा चला जाता है उसमें, तो मैं वहाँ पर एस्केप करके। बेहतरीन प्लेयर्स को देखो जो बहुत बड़े बड़े वीआईपीज़ होते हैं, किस बंदे के पास फोर्ट्रेस है मेरे को बताओ, जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, कोई भी बंदा उनमें से फोर्ट्रेस यूज़ करता है? नहीं, कोई भी उनमें से रोर ये सब यूज़ करता है? नहीं। चुनिंदा ऐसे लोग होंगे जो ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो लोग भी थक हार के आखिर में उन्होंने वो सारे मूव्स डाले होते हैं जो बेहतरीन मूव्स होते हैं, वो भी क्विक किल बैटल्स में बिलीव करते। तो आप भी थोड़ा यही सोचो और ये सबसे आगे बढ़ो, जाने दो यार, मतलब स्पाइक्स रोड्स ये सब को जाने दो, आप जैसे खेलोगे नॉर्मली खेलो, लड़ो मारो, इसमें ज़्यादा मज़ा है, टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम किया करो। पॉइंट्स लेके कुछ नहीं होने वाला, कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाओगे, एंड ऑफ द डे आपको भी वही चीज़ें मिलेंगी जो बाकी सबको मिलती हैं, तो सोच लो, थोड़ा मज़ा करो, किल करो, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ मारा है किसी को। स्पाइक्स रोड से जीत के कोई खुशी नहीं होती है, मेरे को तो नहीं होती है, और आपको होती होगी तो भाई तो कंग्रेचुलेशन, आप उनमें से हो। तो अभी हमारे सामने है डार्क राय यूज़र, और मेरे को पता है यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ है, मेरा मरना है यहाँ पर पक्का, ठीक है, ये यहाँ पर वाटर इम्पैक्ट पड़ा, हम मर चुके हैं। मेरे टारगेट में दो बंदे, एक सामने है जो एफएफ स्पाइट है, एफएफ स्पाइट यहाँ पर मेरे पर क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि इसकी बहुत गंदी जली, इससे पहले जो वर्ल्ड लीग बैटल में हमने इसे हराया था ना सलगैलियों की मदद से, तब से बंदा मेरे पर रॉयल बैटल पर अटैक किए जा रहा है, बहुत गंदी जली है बेचारे साथ, बहुत गंदा हुआ था सच बता रहा हूँ, पर हम कर क्या सकते हैं यार, हमने पूरी ईमानदारी से हराया था आपको, विदाउट डार्क वॉइड हराया था, और फिशर भी ऐसा नहीं है कि हमने सारे पोकेमॉन फिशर से मार दिए, एक गेंगार ही मरा था आपका फिशर से, और वो भी हमने ट्रैप किया था तभी, नहीं तो हम तो वैसे भी नहीं लगा रहे थे। और क्या था उसके बाद, और तो कोई पोकेमॉन हमने नहीं मारा आपके, मतलब आराम से हमने सारे फेयरली मारे हैं ना आपके सारे पोकेमॉन्स, तो फिर भी बंदे को बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई और मेरे पर अटैक किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट यूज कर चुका हूँ, मैं एक जी मूव लगाऊंगा और मेरा टारगेट होगा, सोच रहा हूँ टरेंट पर मार देता, पर हम पोकेर में लड़के लेके आ चुके हैं स्वॉम्पर्ड, क्यों झेल सकता है आराम से, झेलने की काबिलियत बहुत है इसमें। ये गया पालका यहाँ पर इस तरफ से, और वहाँ पर आर्कियस सॉन्ग यूज़ किया गया था, दो टर्न में अगर पोकेमॉन नहीं बदलते तो आपको मरना तय होता है, और इसीलिए मैक्सिमम आर्कियस यूज़र वही यूज़ करते हैं, वो सॉन्ग और ट्रैप कर लेना बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, अनलेस रनटिल आप ब्लॉक लगाए जाए यहाँ पे, या फिर आप शैडो टैग में ट्रैप हो जाओ। एक जीमू पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक जीमू पड़ा है, तो भाई दो दो बंदों से हमें जीमू पड़ा है, तो मे बी अभी भी हम झेल जाएंगे अगर एक और जीमू ना पड़ा तो।
तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ रेस्ट, और इसके बाद तो आराम से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को लगाएंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, रॉयल बैटल में इंफ्रास्ट्रक्चर सामने वाले को भी लगा सकता हूँ, साइड वाले को लगा सकता हूँ, और इस तरफ वाले को लगा सकता हूँ। एक साथ तीन बंदों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हो और सबको ट्रैप पे लिया जा सकता है और सबको डैमेज दिया जा सकता है। अगर ये आपको पता थी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता थी तो भाई इस बात पर लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब बनता है। अभी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, पर मैं जीमो लगा रहा हूँ। अच्छा, मेरे को ये लगा कि शायद वोट को लगे अगर मैं प्रोटेक्ट यूज़ करूँगा, पर नहीं हुआ। स्पाइट ने हम पे जीमो मार दिया और हमारा बंद पोकेमॉन गया। ऐसो को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ये जो आरसी वाला था होती है, होनी चाहिए, नॉर्मली पिटता है तो आज जैसे तैसे बच गया, नहीं तो भाई फिर मार देता मैं आज तेरे को। ठीक है, यहाँ पर हमें साइड में तो ये, चलो ये सब है, मेरे टारगेट ये साइड वाला है, ये जो एफ ए वाला बंदा है, मैंने इसे मार देना है भाई, मैंने जिंदा नहीं छोड़ना इसको। तो पोके बदल सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जीवो मारे, हिट काफ़ी होगा, बहुत अटैक हो चुका है तो मर जाएगा पक्का। और उसने हम पे जीमो लगाया शायद, मे भी ये सोच के कि वैसे भी तो जीमो वेस्ट होना, ये तो ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, बच गया, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि पालकिया बच जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका था पर फिर भी बच गया यार, मतलब ठीक है। हम प्लेयर अफ लगाते हैं और वाटर इम्पैक्ट से डैमेज तो पड़ना ही है, पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा इतना मेरा श्योर हूँ इस बात पर, पड़ा वाटर इम्पैक्ट और ये गया पालकिया। अडैप्टेबिलिटी था और अटैक प्लस टू हुआ था, तो बहुत ज़्यादा डैमेज देना चाहिए था पर दिया नहीं। कॉम्बैट भी का जो क्रिटिकल हिट वाला जीमू वाला पोकेमॉन, ये तो पक्का मार देगा, पर फिर भी हम लोग प्लेयर अप लगाते हैं, अगर नहीं मरा तो वो मर जाएगा पक्का, पर ये हम मर चुके हैं। कोई ना, काम कर दिया है मोबाइल ने, बहुत अच्छा काम किया। कॉम्बैट भी का जो जीमू वेस्ट हो गया, मैं गार्चोम लेके आ सकता हूँ, डबल जीमू भी हमारे पास, तो मैं इसी को लेके आऊँगा। स्वॉम्पवर्ड लेके आ भी सकता हूँ, काउंटर लगा सकता हूँ, पर वक्त लग जाएगा उसमें और इतना वक्त वेस्ट करने के लिए सही नहीं होता है। एक जीमू कॉम्बैट पी का जो हमसे तेज़ है, ऑब्वियसली मैच भी यूज़र है भाई, हमसे तेज़ नहीं होता और किससे तेज़ होगा। ठीक है, हमने जीमू मार दिया है, एक और जीमू में मारता हूँ। क्लोज कॉम्बैट कुछ भी आए, मरना तो कॉम्बैट पी का जो तय है, क्योंकि अटैक प्लस टू हो चुका है, हम अटैक बूस्ट हो चुका है हमारा, तो ट्रैप इफेक्ट भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। हम पे क्लोज कॉम्बैट पड़ा, डिफेंस 80 माइनस हो चुकी है और गया ख़त्म, मर गया कॉम्बैट पिकाचू। ठीक है, अब हम खड़े रहेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि वो जो सामने विनोसॉर दिख रहा है ना, मेरे को उसमें थोड़ी सी अजीब बात कुछ लग रही है, मेरे को लग रहा है वो कुछ करेगा विनोसॉर। पता नहीं रॉयल बैटल में खेल जाते हैं भाई लीक चीट लगा के, अब देखते रहना आगे चल के ऐसा होगा ज़रूर, भरोसा नहीं होता मेरे को उन पे। जीमू हम पे पड़ा, हमारा खेल खत्म। मैं फिशर स्लैश लगा रहा था, अगर नहीं हिट होता या फिर सोर डांस करता तो तगड़ा डैमेज पड़ता। अच्छा देख रहे हो ना, तो वो लीक चीट लगा रहे भाई। अच्छा, तो यहाँ पे पता नहीं कौन कहाँ पर अटैक कर दे, तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं काउंटर। काउंटर क्यों? क्योंकि इन केस अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर लगाता हूँ उसमें जीमू पड़ जाए तो फिर रिकवर तो शायद रेस्ट कर ही लेंगे, पर मे बी मेरे को याद नहीं है मैंने इससे पहले वाले पे बाद में बैरी लगाया या नहीं लगाया, शायद बैरी हमारे पास है नहीं अभी, तो मैं रिक्स नहीं लेना चाहता, याद नहीं है तो नहीं लेना चाहता, नहीं तो आर्यन खुश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा वो एफ ए वाला बंदा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, लीक सीट हम पे पड़ चुका है, ये विनोसॉर को मैं मार दूंगा, जब भी मेरे को ये दिखेगा मैं इसी को मारूंगा। मैं अटैक तुम पे नहीं कर रहा, क्यों ये क्यों करते हो, मतलब नॉर्मली अच्छा लगता है तुम पे कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर अटैक करे तो। हाँ अच्छा, तो वहाँ पर भी कर रहा है बेवकूफ़ इंसान, मैं मारता हूँ, गया ये गया, अब अगली बार मैं उस विनोसॉर वाले को छोड़ूंगा नहीं, बहुत गंदा खेला है भाई। उसका नाम क्या है यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं, कैप्टन जैक फाइव। आपकी अगली बार हम 5-5 नहीं, 10-10 नहीं, 50-60-200-1000-300 बार लेंगे भाई, जब जब मेरे को मेरे रॉयल बैटल में दिखोगे मैं इस चीज़ का बदला लूँगा आपसे, नहीं करना चाहिए था आपको। यहाँ पर यार मैं बिजी था किसी को मारने में और आप बीच में टांग अड़ा रहे हो, अच्छा लगता है ऐसे? तो क्या करूँगा मैं, विनोसॉर पे मारूँगा, क्यों? क्योंकि ये डिज़र्व करता है, बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है, तो विनोसॉर पर अटैक करता हूँ मैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे पर अटैक करे, पहले विनोसॉर जाएगा, यही जाएगा। और सामने ये देखो, अरे हद है भाई हद है, विनोसॉर मेरे से तेज़ कैसा था, क्यों? उसके पास क्विक क्लो था, ठीक है, क्विक क्लो याद आया, स्पीड कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी आप फर्स्ट जा सकते हो, 30% चांसेस होते हैं, और अगर बूस्ट करने के बाद 30% चांसेस होते हैं। एक प्लेयर ऑफ पालकिया भी डेड है, उसके बाद मैं स्नोलेक्स को मारूंगा, रेस्ट लगाया है, स्नोलेक्स को मारूंगा कैसे भी, लीच सीड मारा है, बहुत बड़ा वो किया है मेरे साथ धोखा। ठीक है, स्लीप टॉक लगाऊँ? नहीं, मैं प्लेयर ऑफ ही मारता हूँ, डाक रहा है मारा जाए, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाक रहा है मर जाएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ऊपर से डाक रहा देखता हूँ तो मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, रॉयल बैटल में मेरा हर जगह का दिमाग गर्म हो जाता है, वर्ल्डिंग में भी देखो तब भी मज़ा नहीं आता मेरे को, डर रहा मतलब क्या होता है, जानता हूँ मैं रिजल्ट क्या होगा, एक डार्क वर्ड पड़ेगा मेरा खेल खत्म हो जाएगा, सोना नहीं है भाई ऐसे, दिन भर घर में सोते रहते हैं, फिर अभी तो चलो जाके कॉलेज वगैरह जाना होता है, पहले सो सो के थक गया था, पहले हमेशा भी चाहता था कि हमेशा सारी चीज़ें बंद रहें, बहुत सोने को मिले, पर अब थक चुके इतना सो के। तो हम लोग यहाँ पर अटैक करेंगे पालकिया पर, सो सॉरी गाइस, डार्क राय पर, पालकिया तो मर चुका है, हमने यहाँ पर यूज़ किया है प्रोटेक्ट, ये मैसेज हम हटाते हैं साइड। ठीक है,
एक डार्क वर्ल्ड वेस्ट हुआ है, अगर इस बार डार्क वर्ल्ड मिस हुआ है तो डार्क राय मरा, पक्का मरेगा, बस मिस हो जाए। कितना वक्त लग रहा है भाई, देख रहे हो ना, डार्क राय मतलब डार्क वर्ल्ड पढ़ेगा, फिर वो नाइटमेयर लगाएगा, इन्फेस्टेशन लगाएगा, एक दो टर्न जाके बाद गार्चो मारा जाएगा, भाई कितना लंबा चलेगा। और स्नोरलैक्स अपने अलग ही दुनिया में, वो आइस पंच से मारे वो भी किसको, एक ग्राउडन को, और वो भी लेवल डिफरेंस और एचपी डिफरेंस देखो। उस पोकेमोन का सबसे कम क्या होता है, स्पेशल अटैक जितना होगा इस पोकेमोन का एचपी उतना होगा, इसके सारे स्टेटस मिला दोगे तो जाके उसका एचपी होगा उतना, मेरे को ऐसा लग रहा है टोटली। पर अभी हम लोग लेके आ चुका स्वॉम्पड, क्यों सामने ऐसा गैलियो, मैं इसको ट्रैप में लेना चाहूँगा, और पर पहले इस स्नोरलैक्स को मारते हैं। लीच सीड लगाया था, इसका बदला मेरे को लेना था तो मैंने ले लिया। जी मूव मैं चाह के भी नहीं लगा सकता क्योंकि वहाँ डेजोरेट रन मत कर रहा है, डेजोरेट लैंड एबिलिटी रन कर रहा है, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। डैम तो आप डिजर्व करते हो यार, डैम के आप तो हर चीज़ डिजर्व करते हो। ये एक और अटैक कर दिया मैंने, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इसे लगाया था पर गाड़ी बार मर गया। डिजर्व करता था वो, सच में डिजर्व करता था ये, बहुत ही आप ठीक है, चलो कुछ नहीं बोलते, जाने देते। अटैक नहीं करना चाहिए था आपको, आप चुपचाप खड़े रहो, अगर आप लो लेवल हो तो ढूंढो कोई लो लेवल, अगर नहीं मिलता है तो आप नॉर्मली खड़े रहो, बहुत ज़्यादा सही होता है। आप फोर्ट्रेस लेके आओ, सेल्फ डिस्ट्रक्ट करो, भाग जाओ। ठग लाइफ वाला मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, जो भी था ना ठग लाइफ वाला बन जा तू, फोर्ट्रेस लेके आ, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर, भाग जा। यहाँ पर मेरे को दो दो डाकरा दिख रहे हैं, पता नहीं किस पर अटैक करूँगा मैं, पर मैंने डिसाइड किया हुआ है जो ज़्यादा लेवल का हम लोग उसी पर अटैक करेंगे। पर ये क्या, मेरे अटैक करने से पहले ही हम पर अटैक हो गया और हम यहाँ पर जा चुके हैं स्लीप में, और यहाँ पर इन्वेस्टेशन, ये दोनों एक बंदे हैं, ठीक है, ये मेरे को पता चल गया था। स्लीप टॉक गया डार्क राय, ये मेरे को डार्क राय बेचारे का बहुत ज़्यादा बुरा। अच्छा ये आप देख सकते हो ना, दोनों एक ही बंदा है क्योंकि वो डार्क बोर्ड लगा चुका है, ये इन्फ्रास्ट्रक्चर लगा चुका है, ये दोनों इतने अच्छा रिदम किसी का नहीं होता, ठीक है। तो एक और स्लीप टॉक और लुकारियो का भी खेल हो जाएगा ख़त्म, वो फुली ख़त्म हो जाना चाहिए। और सामने वाले ने पोकेमोन बदल दिया, शायद उसके पास स्लीप टॉक नहीं है, ठीक है, नहीं है तब, ठीक है, उसके पास टॉन्ट नहीं है स्लीप टॉक को रुकने, इसीलिए उसने बदल दिया है। अब मैं लुकारियो को आराम से मार पाऊंगा, मेरा टारगेट लुकारियो ही होगा क्योंकि वहाँ सलगैलियो है, मोबाइल थोड़ी ना सलगैलियो को मार पाएगा भाई, अनवेरेबिलिटी होगी, ऊपर से डिफेंस वगैरह बूस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। दैट्स वाई हम लोग लुकारियो को मारेंगे जितना मौका मिलेगा। ये स्लीप टॉक से फिर से स्वॉर्ड डांस यूज़ हुआ, इसीलिए मेरे को स्लीप टॉक बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मतलब बुरा लगता है यूज़ करना। ये कौन था, ये क्या कर दिया भाई, क्यों मारा हम बेचारे इंसान को, इतना अटैक बूस्ट होने के बावजूद नहीं मार पाया। लाल थे तेरे ग्राउडन पे, डूब मारो उस ग्राउडन को, डूब मारो। अच्छा यहाँ पर तीन तीन लोगों ने मारा, अभी भी जिंदा है। ये है मोबाइल भाई, देख रहे हो ना, डिफेंस गॉड है भाई ये, सच बता रहा हूँ, इतने लोगों ने मारा अभी भी हमारा पोकेमोन जिंदा है, अमृत पी के आया भाई आज मोबाइल, फाइनली जाकर डेड हुआ है। पर भाई यहाँ पर जीमू पड़ा, वहाँ पर जीमू पड़ा, उस तरफ से भी जीमू पड़ा, तब जाके वो डेड हुआ है। पर मानना पड़ेगा भाई, एज अ पोकेमोन को जहाँ तीन तीन पोकेमोन को मिलकर मारना पड़े वो होता है असली हीरो। हम पोकेमोन लेके आ चुके हैं, मेरा टारगेट कौन है, मैं प्रोटेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्यों, या फिर जी मूव लगा दूँ उस ग्राउडन को, या फिर लुकारियो को मार दूँ, क्योंकि सरगैलियो पर तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले प्रोटेक्ट यूज़ करते हैं। मेरे को लगा कुछ आएगा पर ऐसे कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर ग्राउडन अपना बलका वगैरह किया जा रहा है, और ये लुकारियो पता नहीं क्या कर रहा है, काउंटर यूज़ कर रहा है मे बी, तो हम लोग उस पर अटैक नहीं करते, हम लोग मारते हैं इस ग्राउडन को, ये डिजर्व करता है, इसने हम पर अटैक किया था, अगर नहीं करता मैं लुकारियो मार चुका होता तो सरगैलियो तो ऐसे ही बलका करता रहे, उसकी पूरी ज़िंदगी बलका में बीत जाएगी। ये पड़ा यहाँ पर, काम हो चुका है, एक फीसद लास्ट काफ़ी होना चाहिए ख़त्म करने के लिए, एक फीसद लास्ट, या फिर मैं चाहूँ तो एक जीमो मार के इस गार्चों को ख़त्म कर सकूँ। लगे यहाँ तो ये भी ट्रैप में रहेगा, वो भी ट्रैप में रहेगा, भाई दोनों को तो डेड होना ही है क्योंकि सलगैलो हाथ को एक मारेगा तो वो खेल मेरे को मिलेगा, तो ये सोच के, पर ये गंदा हो गया, ठीक है, इतना भी गंदा नहीं हुआ पर सच में गंदा हुआ थोड़ा सा, पर सच में गंदा हो गया। मेरे को लुकारियो को जीमो मार देना चाहिए, ख़त्म हो जाता ये, पर ऐसे भी स्वॉम्पड है हमारे पास तो डरने की बात नहीं है। एक जीमो लुकारियो का खेल ख़त्म, और लुकारियो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, वो ओ है, तो मैं यहाँ पर एक बार फीसर स्लैश लगाता हूँ किसको, लुकारियो को, और डेड होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई ना, हम स्वॉम्पड फिर लेके आ पाएंगे, आराम से मार पाएंगे। पर सलगैलियो ने मार दिया, मार दिया भाई सलगैलियो ने मार दिया, दो अकाउंट्स लेके उतरा है हमारे अगेंस्ट, और वो मार दिया, पर हम बदला लेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो को मारने की जरूरत नहीं है, वो क्या ही डैमेज देगा मेरे स्वॉम्पड को, खिलौना जैसा डैमेज देगा। मैं इस लुकारियो को मारता हूँ क्योंकि इसके एचपी कम है, और ये बेकारी इधर खड़ा है, मर जा तू कहीं जाके, तो इसको मैं जीवो मारता हूँ। ये हिटरेंज बन से मतलब खेलने जितना डैमेज दिया मेरे को, और इसकी तो बात ही मत करो, इसने तो मैं छुआ भी नहीं जैसे इसका जीवो था, इतना घटिया और इतना कमज़ोर जीवो, मे बी स्वॉम्पड के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है फायर टाइप मूव्स, और ऑब्वियसली है भी। पर अभी मैं किस पर अटैक करूँ, क्योंकि
वाटर टाइप में वो बचे नहीं मेरे पास, इन्फेस्टेशन में लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो काउंटर भी लगा सकता हूँ, पर मेरे को पता है तीनों तरफ से अटैक आएगा तो काउंटर भी फेल ही होना है, किसी को कम ही डैमेज पड़ेगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है। और ये वाटर इम्पैक्ट हो को मार दिया गया यहाँ पे, पता नहीं ये क्यों किया गया। और ये फिर से म्यूटन खेलने वाला डैमेज मेरे को दिया है, बेकार में ही मेरे को ये डैमेज दे रहा है, ज़्यादा डैमेज दे पाता तो मैं सोचता कि हाँ अटैक किया जा रहा है, ये खिलौने जैसा डैमेज आ रहा है मेरे को पता नहीं क्यों। पाल किया मेरे पर लग रहा है जीमो बाय का अडैप्टिबिलिटी ऑन है, और इसके पास है अभी अटैक बूस्ट भी हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज देगा, क्या किल कर देगा? नहीं, ये भी नहीं किल कर पाया, ठीक है। अब शायद किल हो जाए, पर नहीं, यहाँ पर म्यूटू भी अपना रेस्ट लगा चुका है, ठीक है, रिकवर कर चुका है। हमने पालकिया को ट्रैप मिली है, मेरे को काउंटर लगा देना चाहिए था, पर यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है, पर पालकिया ने वहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था किसी और का अकाउंट खेलते हुए, डब्ल्यू आर जे बेगॉल या फिर जब भी उसका नाम है जो भी है, पहले उसका नाम डार्कलव हुआ करता था, और वो उस वो नेपाली यूज़ करता था, या फिर उसका नाम क्या था, अलीस भुटुस की ऐसा कुछ उसका नाम था, और फिर पता नहीं उसका क्या हुआ, मैंने सुना है उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो ख़राब हो गया है, और डॉक्टर ये फाउंड आउट कर रहे हैं कि उसका नीचे वाला पार्ट गिरा तो गिरा कहाँ, ढूंढ के वापस भी लगाना है, तो उसके जगह पर कोई और खेल रहा है, तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए भाई, पर बस कह दिया, बस कह तो दिया। सामने हमारे जैगियार, पालकिया, लुकारियो, और मैं किस पर अटैक करूँगा ये सोचा नहीं अभी हमने, पर हम लोग यहाँ पर अटैक कर दे रहे हैं, ठीक है, मेरे को अटैक कर दे रहे हैं लुकारियो पे, क्यों, बस दिल किया, सच बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसलिए अटैक किया क्योंकि मेरे को अटैक बूस्ट करना था, और पालकिया पे तो वैसे ही वेस्ट होना ही था, मतलब फिर प्लेयर अप तो लगाने था, तो साथ में थोड़ा ज़्यादा भी डैमेज ले लेते, और मैं नहीं चाहता वो सामने वाले बंदे को मारा जाए, उसका लेवल कम है, तो उस पर अटैक मत करो, ठीक है। और ऊपर से ये दोनों एफएफ के हैं ना, तो मेरे को लगा ये दोनों एक ही बंदे और मेरे पर अटैक करने आए हैं, तो पहले ही हमने मार दिया उसको। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ प्लेयर ऑफ ताकि ये पालकिया डेड हो जाए, और ये गया पालकिया। आजकल रॉयल बैटल में हर कोई डबल अकाउंट के साथ आ रहा है, सब आ रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ डबल अकाउंट ले लूँ, पर मज़ा नहीं आएगा उसमें, अकेले रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं भी ट्राई करूँगा बहुत बार, कभी होगा तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ क्या, प्लेयर ऑफ लगाते हैं कॉम्बैट पिकाचू पे, डेड हो जाना चाहिए, डेड नहीं, अब तो नॉकआउट पड़ चुका है, ठीक है, थोड़े से बच के, नॉकआउट ना पड़ता तो डेड था। ये देखो विनोसॉर खेल कर गया यहाँ पे, लालत है तेरे पे विनोसॉर, सच में लालत है भाई, ये गंदा किया तूने मेरे साथ। अब मैं लगाता हूँ एक जी मूव ताकि कॉम्बैट पिकाचू डेड हो जाए, उसके बाद एक जी मूव मार के मैं इस विनोसॉर को भी डेड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर कॉम्बैट पिकाचू में जी मूव लगाता हूँ ना, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आने वाला जो गार्चोम्प होगा, ठीक है, अगर मैं कॉम्बैट पिकाचू में जी मूव लगाता हूँ फिर विनोसॉर पे लगाता हूँ, तो उस तरफ से गार्चोम्प मेरे को मार देगा, तो यहाँ भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पता नहीं क्या करूँ, क्योंकि विनोसॉर मेरे को पता है फिर से लीच सीड मारेगा, तो किसको मारो, वो फायर हेडक्रॉस वाला बंदा पता नहीं कौन सा नशा फूक के है, तेरे इतना बचाया मैंने भाई, एक जगह विनोसॉर को नहीं मार पाएगा तू, ठीक है, मैं यहाँ पर इस गार्चोम्प को मार देता हूँ, ये मेरे को मारा, ठीक है, हमारे पास एबिलिटी है और सॉलिड रॉक एबिलिटी, और आप लिक्विड रॉक एबिलिटी के साथ आते हो, पर उसके पास भी सॉलिड रॉक था, पर वो डेड हो चुका है क्योंकि हमारा अटैक बूस्ट हुआ पड़ा है, नहीं तो हमारा अटैक भी बहुत ज़्यादा है। जीव मारा पर भाई बहुत लेट मारा है, आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी आपको फायर हेयर क्रॉस पे, मैं सच में कहूँगा कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, और अगर फाइटिंग वाला हेयर क्रॉस होता तो मैं रिकमेंड करता क्रिटिकल हिट रेशियो वाला जीव, मतलब होल्ड आइटम ट्राई करके देखो, ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू फ्लिंच, क्योंकि फ्लिंच ठीक होता है पर स्पीड उसके लिए चाहिए होती है, अगर आपका स्पीड नहीं है तो क्रिटिकल हिट वाला ट्राई करके देखना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो भाई हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, मैं अटैक करूंगा इस डाकरा यूज़र पर और इस मोबाइल यूज़र पर, क्योंकि सामने वाले को मेरे पर मतलब मैं नहीं जानता हूँ कौन है, कहाँ से है, कैसा है, हम इन दोनों पर अटैक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये डाकरा लेके उतरा है और ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को निस्त नाबूद कर देना इस डाकरा को, सच बता रहा हूँ, और इससे पहले कि मैं करता वहाँ से किसी ने कर दिया। हम इस मोबाइल को देख लेते हैं क्या बोलते हो गाइस, लिटरली इस मोबाइल को मारते हैं, ये अनमोल नाम का बंदा मेरे को अभी भी याद है, रॉयल बैटल में खेल करता है, पर हमने यहाँ पर स्लिप टॉक यूज़ किया, मेरे को लगा डाकरा कहीं पर डाकवर्ड मारेगा, पर ऐसे कुछ हुआ नहीं है, तो मे बी ये सही वक्त है कि हम इस मोबाइल और इस डाकरा यूज़र को ख़त्म कर दें। किस पे अटैक करूँ किस पे ना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कोई भी अटैक कर सकता है हम पे, पर हमने पालकिया वाले को ही मारा, ठीक है, डाकरा वाले को मारा था, पर उसने पालकिया लेके आ गया, नहीं लगे आता तो डाकरा डेड होता। अभी मैं क्या करता हूँ ना, तो मैं एक जी मूव लगा देता हूँ, नहीं एक और प्लेयर मारता हूँ, इस पालकिया यूज़र को डेड करते हैं, क्योंकि अटैक कर दिया है तो भाई काम ख़त्म करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हम लोग, ठीक है, ये गया प्लेयर ऑफ, हिट हो जा, ठीक है, हो भी गया, काफ़ी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मोबाइल यूज़र को मारता हूँ, जी मूव इसी को मार देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर लुकारियो आ चुका है, तो यहाँ पर अटैक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लुकारियो में भी ज़रूरी होगा, तो नहीं मैं सोच रहा नहीं मोबाइल को ही मार देते, इसको पता नहीं है भाई मेरे को, वो सामने वाले बंदे के लिए बुरा लग रहा है, उस पर काफ़ी अटैक किए जा रहे हैं, तो इसको पहले हटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस लुकारियो वाले को मार सकते हैं, स्पेशल डिफेंस हमारे बहुत अच्छा है, हम कभी भी वन साइडेड चीज़ें नहीं करते,
हमने दोनों को मैक्स करके रखा हुआ है। डिफेंस भी हमारे पास आला दर्जे का है, स्पेशल डिफेंस भी आला दर्जे का है, कोई किसी चीज़ की कमजोरी नहीं है हमारे पास, अनलेस अनटिल वो स्पीड की हो। तो वो इसीलिए हम लोग स्टिकी वेव कहीं से इंतजाम कर रहे हैं, अगर हो सके तो हम लोग जरूर ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं। अब पर हमें पड़ा है आर टू मूव और ये प्लेयर अब उसका खेल ख़त्म, और यहाँ पे लीड सीट पड़ा है और सीजोर तो नहीं मार सकता साइमी को, ठीक है सेमी उसका नाम है या फिर साइमी नाम है या फिर सीमी या फिर सेमी जेन WWE रेसलर कुछ भी हो। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं स्लीप टॉक, पर मेरे को पता है डेड होना है मोबाइल को, डेड होना है जीमो पड़ेगा ऑब्वियसली। मैं चाहते तो पोकेमॉन बदल के लेके आ सकता था, पर मेरे को लगा था कि वो वहाँ पर एक हिट में ख़त्म कर देगा, पर ऐसे कुछ हुआ नहीं है। तो कोई ना गार्चोम लेके आते हैं और उसमें क्या चीज़ मतलब प्रॉब्लम है, तो मैं एक जीमो लगाता हूँ, अगर मेरे को मारा तो वो मार देगा, उसको मारा तो मैं मार दूंगा, ठीक है यही हुआ। और अच्छा वो फ्लिंच नहीं हुआ, वो लाल है थे उसमें अभी यार यहाँ पे मार रहा था ना, वहाँ कहाँ मार दिया भाई तूने, यहाँ पे मार रहा था, ये ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पर, ठीक है। मैं स्वॉम्पर लेके आता हूँ क्योंकि सो चुके हैं हम लोग और नींद भाई बहुत ज़्यादा गंदी होती है। स्लीप टॉक क्या बोलते हो गाइस, स्वॉम्पर पे हम स्लीप टॉक डाल दें, काउंटर अटैक है, इन्वेस्टिगेशन, फिशर स्लैश, स्लीप टॉक, रेस्ट, अच्छा रहेगा, मज़ा नहीं आएगा, काउंटर है तो ज़्यादा मज़ा आए। ओपोनेंट डरता है भाई आप अटैक करने के लिए क्योंकि उसे पता है काउंटर रेडी होगा, पर स्लीप टॉक के बाद वैसा नहीं होगा, अटैक करते जाएगा मेरे पे और मैं रेस्ट लगाता जाऊँगा और काइंड ऑफ स्टेल जैसा महसूस होगा मेरे को, इसमें ज़्यादा मज़ा है। सामने है यहाँ पर डार्कराय, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं डार्कराय यूज़र पे ही जी मूव लगा देता हूँ और इस मोबाइल वाले पर बाद में मारेंगे, पहले इस डार्कराय को लपेटें, ये ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। अगर मेरे पर डार्क वर्ड पड़ा तो मैं स्लीप टॉक लगा सकता हूँ, मेरे को यहाँ पर डर नहीं है क्योंकि ये लोग टॉन्ट यूज़ नहीं करते, ये स्टिकी वेव यूज़ करते हैं स्पीड के लिए, और एडजस्ट नहीं किया जा सकता उसमें कहीं भी टॉन्ट, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी होती है, इन्फेस्टेशन ज़रूरी होता है उसको कहाँ रिमूव करके। डार्क पर डार्क वर्ड नहीं हुआ तो ये तो भाई आपने गुनाही अजीम कर दिया है, वहाँ पर उसमें भी प्रॉब्लम होगा, और उसका रास्ता ही कहाँ है, जगह तो वही नहीं है, मतलब कहीं नहीं है आपके पास। तो हम डार्क वर्ल्ड पे सो चुके हैं, पर मैं यहाँ पर स्लीप टॉक लगा चुका हूँ और ये सीधे जाके लगता है पालकिया को, जो थोड़ी से बचा डेड हो जाना चाहिए मेरे को लगता है, थोड़ा और अटैक मेरे को कहीं से लेना चाहिए, मे बी मेरे को बेस में अटैक डॉल्स और भर देना चाहिए, डॉल्स हाँ एक दो और डालने चाहिए, उसके बाद तो शायद ही कोई टिक पाएगा। ये एक और प्लेयर ऑफ और इसका डेड पक्का ये मोबाइल वाला बंदा मैंने जानता था ये कुछ करेगा, यहाँ पर हम पे प्लेयर ऑफ मार रहा है, तो मैं इस बार लुकारियो को मार दूं क्योंकि जैगयार्ड तो भाई कैसे भी मरेगा, क्योंकि अगर मैं इस मोबाइल को मारता हूँ मैं भी लुकारियो को मार दे, पर हम लोग इस मोबाइल यूज़र, ठीक है लुकारियो यूज़र को मारते हैं सी मूव, और ये पड़ा बच गया थोड़े से बच गया ये थोड़े से बच गया, काफ़ी खुश हो रहा है। पर मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे पास एक स्वॉम्पर नाम का पोकेमॉन है जिसका HP 31 के है, स्पेशल डिफेंस बहुत ज़्यादा हाई है और डिफेंस भी बहुत ज़्यादा हाई है और अटैक तो उससे भी ज़्यादा हाई है, तो आप सोच के रखना क्या होगा आपका। तो मैं लेके आता हूँ भाई, मेरे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वहाँ पर जैगयार्ड ने अटैक कर दिया। प्लेयर ऑफ यहाँ पर इस मोबाइल का यूज़ वेस्ट हुआ है, तो मैं इस पर जी मूव लगा के मार सकता हूँ और यहाँ पर डाक रहा आ चुका है, ला लेते हैं भाई डाक रहे पे। मैं क्या करता हूँ ना, तो मैं जी मूव लगा देता हूँ इस मोबाइल यूज़र पर, मैं नहीं चाहता वो सामने वाला बंदा मारा जाए, पर मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाया, वो ऐसे भी मर गया बेचारा। कोशिश की थी हमने भाई, हम सोचा कि हमने दोनों को अकेले लपेट लेंगे और लपेट भी लेते अगर वो बंदा थोड़ा टिक जाता तो, ठीक है पर बंदा बहुत ज़्यादा सही खेल के गया, और डार्कराय पर अगर बर्न डाल देता तो भाई सोने पर सुहागा होता। और इस बार यहाँ पर चचा आर्यन आए हमारे, चचा आर्यन और कहाँ है चचा आर्यन, चचा आर्यन ये रहे सामने हमारे चचा आर्यन, तो चचा आर्यन पर हम लोग अटैक करने वाले हैं। तो मैंने सोचा हुआ है कि क्या करूँगा, तो मैं सोचता हूँ FF अनमोल पर हम लोग जी मूव लगा देते, फिर चचा आर्यन को प्लेयर अप से ख़त्म कर देंगे, और क्योंकि साइड वाला बंदा बचना चाहिए और मैं नहीं चाहता जी मूव मार के उसके किसी को मारे, तो चचा आर्यन को हमने पहले ख़त्म कर दिया। अब हम ठीक है चचा आर्यन बचे हैं, तो चचा आर्यन के दोस्त को हमने कंप्लीट कर दिया, अब मैं लगाता हूँ चचा आर्यन के साथ अपना हिसाब किताब बराबर करते हैं, ठीक है। गार्चम को तो संभाल लेना चाहिए, आपके पास जैगयार्ड है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर चचा आर्यन के पालकिया को ख़त्म करता हूँ, ये ख़त्म। और नेक्स्ट ठीक है यहाँ पर लीड शील्ड पड़ा है, पर वो प्रोटेक्ट में था तो शील्ड है उसके पास अभी फ़िलहाल के लिए है। सामने कॉम्बैट पिकाचू, मेरे को पता है शायद एक हिट में ख़त्म हो जाएंगे, पर फिर भी एक प्लेयर अप लगा के जाएंगे हम, इतने जल्दी नहीं जाने वाले, ठीक है ख़त्म हो चुके हैं हम लोग, कोई ना। क्रिटिकल हिट, क्रिटिकल हिट लिखा आएगा ना, आएगा ना, ठीक है देखते हैं गाइस क्रिटिकल हिट आया कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया, शायद चला गया हमने नोटिस नहीं किया। तो मैं लेके आता हूँ स्वॉम्पर, अब देखना चाहता हूँ कि उसको मैं और गार्चोम को दोनों को ट्रैप पर लेना चाहता हूँ। कॉम्बैट पिकाचू मेरे पर हौले हौले अटैक करेगा, तब तक मैं इस गार्चोम को ख़त्म कर दूंगा और मेरे पास आगे चल के मेरा गार्चोम भी रेडी होगा। तो ये इन्फेस्टेशन पड़ा है, डैमेज हमें पड़ा है पर अटैक +2 के हिसाब से कम ही पड़ा है,
ह्यूज पावर एबिलिटी होती है भाई उसके पास। गार्चम ने यहाँ पे जीमू वेस्ट किया। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अटैक बूस्ट चाहिए था जल्दी से और स्वेडर्स नहीं आपके पास तब यूज़ किया, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, या फिर आपने फ्यूचर डिसाइड किया कि मे बी जैगियाड आने वाला है। हम रेस्ट लगा चुके हैं और मेरे को इतना पता चला कि मैं उस गार्चम से ज़्यादा तेज़ हूँ, तो इस चीज़ का फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। मैं उसको जीमू मार सकता हूँ और उसके बाद उसका डेड होना पक्का होगा ही। कॉम्बैट पिकाचू पे मैं काउंटर मार दूँ वो मर जाएगा, या फिर मैं क्या करूँ? ठीक है, यहाँ पर फायर एयरक्रॉस आया तो वो शायद जीमू मार के उसे मार पाएगा, पर मैं उसकी मदद कर देता हूँ। मैं इस गार्चम पे एक जीमू लगाता हूँ, ठीक है, और इसका डेड होना जल्दी ज़रूरी है। और वो चचा आर्यन अपने में ही मारते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खिलौने जैसा डैमेज दे रहा हो मेरे को, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये गार्चम डेड होना चाहिए, ठीक है, और ये फायर हेयरक्रॉस वाला बंदा भी बचना चाहिए। ये फिर से प्रोटेक्ट और ये काउंटर, चचा आर्यन आपका खेल ख़त्म और जाइए आप घर जाइए। क्योंकि अगर मैं रेस्ट लगाता ना गाइस तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती कि हम स्लीप में जाते हैं, और भाई स्लीप में जाने कौन आया, हम लोग मरने मारने आए, बात ख़त्म। और ये गार्चम भी थोड़ी देर में डेड हो जाएगा और उसके बाद हम लोग आराम से कुछ काम कर पाएंगे। मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं फिशर स्लैश लगाता हूँ और सामने वाले गार्चम के, ठीक है, अगर हम पे पड़ता है तो पड़ता है, नहीं पड़ता है तो ठीक है, मे बी हम टिक जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि एचपी थोड़ी सी कम हुई है, पर हाँ टिक गए हम लोग, जैसे तैसे टिक गए, टिक नहीं रही, मर चुके हम लोग। मेरे को ऐसा क्यों लगा हम लोग टिक गए, ठीक है। अब हम गार्चम लेके आ रहे हैं, सिचुएशन गंदी लग रही है आपको हमारे लिए, पर ऐसा है नहीं, हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि चचा आर्यन का दिमाग घुटनों में है और वही था, देखा, एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि भाई प्रोटेक्ट रेडी होगा। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक जी मूव से ख़त्म करूँगा, आप नहीं ख़त्म कर पा रहे थे ना, पर हम आपको ख़त्म करके दिखाते हैं एक जी मूव में। ये देखो चचा आर्यन और चचा आर्यन जाएंगे यहाँ पर, गार्चम भी डेड हो जाएगा अपने आप, ये फायर हेयरक्रॉस मार देगा, मेरे को यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो और ये यहाँ पर प्रोटेक्ट और ये यहाँ पर ड्रैगन क्लो और ये चचा आर्यन का खेल ख़त्म। चचा आर्यन के बच गई पुंगी, भागी है चचा आर्यन उठा के अपनी लूंगी। तो गाइस होप आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।